शफी उल वरा फखरे आलम बेकसों बे सागारों के हमें दम बंदे 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 बे नवा पर करा। नाते पाक के जरिए से लुत्फानंदोज हो रहे थे और क्यों ना होते कि गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है। गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है। जो नाते रसूल सुनता है वो गाना भूल जाता है। हजरते गिरामी, अब तक चाहे जितनी धुन के अंदर आपने चाहे कितनी मुतरन्निम आवाज के अंदर कोई गाना सुना हो, लेकिन अगर नाते रसूल को हकीकत में उसको उसके मुतरन्निम आवाज के अंदर सुना जाए तो वो सब के सब फीके और खत्म हो जाए। बिलाखिर मुझे कहना पड़ता है, या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर मिन तुवजहिक अल मुनीर लकद नुवर अल कमर ला यमकिन तनाउ कमा कान हक्कुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। रात भर नाते नबी गुनगुनाया जाए और सुनने वाले सुनते रहे कमा हक्कुहु, कभी हक उसका अदा नहीं हो सकता। हजरते गिरामी, एक मेरी अपील है, जितने हजरात इधर उधर मुंतशिर हैं, बिखरे हुए हैं, खड़े हैं, वो आगे बिल्कुल बहुत ज्यादा जगह है, आप हजरात से बड़े ही अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि पीछे के लोग थोड़ा सा जगह आगे है, आगे बढ़ जाए ताकि पीछे आने वालों को सहूलत हो जाए। और बड़े ही अदब एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं वो आकर के इस जलसागाह में जगह ले। हजरते गिरामी, अब मैं इसके बाद सरपरस्ती फरमा रहे इस जलसे की ज़ईम कौम मिल्लत अलहाज मौलाना हाफिज अब्दुल हई साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहु अलिया नाज़िम आला मदरसा अरबिया मम्बुल उलूम खैराबाद व सदर जमीयत उलमा मशरिकी जोन उत्तर प्रदेश हजरत वाला से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि हजरत वाला आए और कुछ नासिहाने कलमात के जरिए से हम सामाईन को महजूज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله العلي العظيم। आज के इस इजलास के बावकार सदर मोहतरम इस इजलास के नाज़िम मोहतरम स्टेज पे मौजूद हाजिर उलमाए किराम हाज़रीन मजलिस, मैं आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ तकरीर करने के लिए नहीं। ना तो मेरा नाम मुकर्रिन के
लिस्ट में और फहरिस्त में है। मुझे तो आज के इस जलसे की सरपरस्ती के उन्वान से मदु किया गया, हुक्म हुआ चंद मिनट के लिए मैं आप हजरात के सामने हाजिर हो गया हूँ। असल हमारे मुकर्रिन हजरात तो अभी आप हजरात के सामने तशरीफ़ लाएंगे, मैं तो एक मुकदमतुल जैश के तौर पे आप हजरात के सामने हाजिर हो गया हूँ और अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए असलन मैं हाजिर हो गया हूँ कि आज के इस इजलास में मैं भी आप हजरात के सामने हाजिर हूँ और मौजूद हूँ। आज का ये इजलास आम, जैसा कि आप इश्तिहार के जरिए देख रहे हैं, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसी के साथ साथ लगा हुआ इस्लाहे मुआशरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आपके विलादत से लेकर के आपके इस दुनिया से तशरीफ ले जाने तक पूरी जिंदगी का आप मुताला कीजिए। कोई दौर, कोई वक्त, कोई लम्हा ऐसा नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिससे हम कुछ न कुछ न सीख सकें। अगर हम कुछ नहीं सीख रहे हैं तो यह हमारी कमी है। आप हजरात ये वाकया पढ़े होंगे किताबों में कि खाने काबा की तामीर का जब मसला आया तो हजरे असवद को वहां से हटा करके कहीं रखा गया। उसके बाद खाने काबा की तामीर शुरू हुई। जब वो वक्त आया कि हजरे असवद को खाने काबा की दीवार में नसब किया जाए, रखा जाए वहां पे लाकर, तो चूंकि उस जमाने में बहुत सारे कबाइल मक्का मुअज्जमा के अंदर मौजूद थे और एक से एक कबीले थे और एक से एक बड़े से बड़े सरदार मौजूद थे। अभी इस बात का आपस में इख्तलाफ हो गया कि अब वो हजर असवद जो इतनी मुबारक चीज, उसको यहाँ पे ले आ करके कौन उठा करके ले आ करके रखे, इसका झगड़ा पड़ गया। मसला नहीं हल हो रहा था, आपस में मशवरा हुआ और मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में यह तय पाया कि सवेरे सबसे पहले मस्जिद हराम में जो तशरीफ लाएंगे वो उन्हीं को हक होगा इस काम का कि वो हजरत असवद को ले आके अपनी जगह पे नसब कर देंगे। मुझे कहना ये है कि यहां पे आप गौर फरमाइए कि सबसे पहले तशरीफ लाने वाले हमारे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उस वक्त आपने क्या किया, कैसा नमूना आपने पेश किया, उस पर गौर करने की बात है। ऐसा नहीं हुआ कि उनके फैसले के मुताबिक सबसे पहले आप तशरीफ लाए और आप जो है हजरत असवद को ला करके वहां पे आपने नसब कर दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। आपने कितने बड़े इंसाफ की बात की वहां पे, गौर फरमाइए। आपने जितने भी कबीले थे, बड़े बड़े जो सरदारान थे उस वक्त के, उनको बुलाया, एक चादर दिया और उस चादर को सब सरदारों से कहा कि इस चादर को आप हजरात पकड़ें। पकड़ के गए और आपने उसमें हजरत असवद को रखा, फिर उनसे फरमाया कि आप लोग वहां तक ले चलें।
वो लोग ले गए और आपने उस चादर से उठा के हजरत अस्वद को अपनी जगह पे नसम फरमा दिया। गौर फरमाइए कितना बड़ा आपने इंसाफ, और एक हमको कितना अहम रास्ता आपने दिखलाया। इसी तरह आपकी पूरी जिंदगी का आप मुताला फरमाएंगे तो आपके जिंदगी के हर हर शोबे में आपको हमारे आपके करने की चीजें मिलेंगी। लेकिन उसके लिए शर्त है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही साथ फरमाया है कि इन अल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम। ये इस्लाह मुआशरा एक नहीं, दस बीस नहीं, पचासों सैकड़ों आप कर डालिए। अगर हम आप इस बात का इरादा नहीं करेंगे, अपने को बदलने का इरादा नहीं करेंगे और अपने अंदर तब्दीली लाने का जज्बा पैदा नहीं करेंगे तो इस्लाह मुआशरा से कुछ होने वाला नहीं है। शर्त है किसी भी कौम के बदलने के लिए, शर्त है कि वो उस चीज़ के लिए आमादा हो और इस बात का इरादा करे कि हम अपने आप को बदलेंगे। इसलिए मैं आप हजारे हजरात से गुजारिश करूंगा कि आज का इस्लाह मुआशरा जलसे सीरत नबी के उनवान से जो हो रहा है, दोनों उनवानात पे तकरीरें होंगी, आप लोग इस इरादे से बैठें कि इंशाअल्लाह जो भी बात है आज के इस जलसे के अंदर हमें बतलाई जाएगी, हम उस पे सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे। इस्लाह मुआशरा या इसी तरह और भी दो तीन उनवानात हैं, क्योंकि वक्त कम है, वरना हम लोग तो जिस मैदान के आदमी इस वक्त हैं, एक दीवानगी है। जमीयत उलमा हिंद से हम लोग मुंसलिक हैं इस वक्त, और इधर हम लोग मुसलसल जो है, बड़ों ने जो हम लोगों को हुक्म किया है कि आज हमारी कौम कहाँ जा रही है, हमारे बड़ों को इस बात की फिक्र है, और रोज हमारे लिए इस किस्म के अहकामात आते रहते हैं कि हम इन गोशे पे काम करें, इन गोशे पे काम करें, ऐसे करें, ये करना है। उसमें सबसे पहला काम हमको जो दिया गया है वो यही इस्लाह मुआशरा ही का है। इसी तरह जो है क्या में मकातिब या हमारे बच्चे जो अनपढ़ रह गए हैं, जो यहाँ की सरकार और हुकूमत के नज़दीक जो अनपढ़ माने जाते हैं, उनको हम पढ़ा लिखा कैसे बनाएं, इसके लिए जमीयत उलमा हिंद ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका अभी 4 सितंबर को हमारे मदरसा रबिया मुबल्लुम खैराबाद में एक तारीफी प्रोग्राम हुआ था कि हम अपने उन बच्चों को पढ़ा लिखा बना दें जो तालीम से किसी मजबूरी की वजह से या और कोई रुकावट बनी हो और अपने घरों पर रह गए हों। उसके लिए जमीयत उलमा हिंद ने एक प्रोग्राम बनाया जमीयत ओपन स्कूल के नाम से। बड़ा सुनहरा मौका है हमारे नौजवानों के लिए और हमारे उन बच्चों के लिए जो 14 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, हिफ्ज मुकम्मल करके अपने ताने बाने में लग गए हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही सुनहरा मौका है, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसका तरीका यही है कि आप उसमें एडमिशन लेंगे, कुछ उसकी फीस है, 24 घंटे में आपकी 1 घंटा सिर्फ तालीम होगी और 1 साल के अंदर आप उसका इम्तिहान दे लेंगे और हाई स्कूल की आपको डिग्री मिल जाएगी, आपको मार्कशीट मिल जाएगी, आप पासपोर्ट बनवाना जाएंगे, बनवाने के लिए जाएंगे ऑफिस में तो मार्कशीट आप लगा देंगे तो आपका पासपोर्ट पढ़े हुए लिखों का पासपोर्ट बनेगा, जाहिलों का पासपोर्ट नहीं बनेगा। उसकी तफसीलात हमारे सदर मोहतरम भी मौजूद हैं और मैं खुद बंदा खुद हाजिर है, किसी भी शख्स को, किसी भी नौजवान को उसके बारे में आज या इसके बाद
मालूम करना हो हम लोग उसकी पूरी तफसील बता सकते हैं। इस वक्त उसके एडमिशन का वक्त चल रहा है, इसलिए मैं खास तरीके से 14 साल से ऊपर के जो हमारे नौजवान हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत ही सुनहरा मौका है, इस मौके से हमारे नौजवान फ़ायदा उठाएं, बहुत इससे फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई स्कूल ही पे वो बात रुक जाएगी, नहीं, बल्कि उससे इंटर बीए एमए वगैरह भी उस मार्कशीट पे कर सकते हैं। बहरहाल मैं इतनी सी बातों के बाद बात को ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे हमारे मेहमानान इज़्ज़ाम हैं और उनकी बात है, आप लोग भी सुनने के लिए बेचैन और परेशान होंगे। बस आखिर में मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि जिस मकसद के लिए आप हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं, इरादा करके उठिए यहाँ से कि हम ज़रूर उन सारी बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।